माँ ज्वाला इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ज्वाला जी के उद्घाटन अवसर पर ज्वालामुखी पहुंचे प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मुनीश शर्मा ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को कहीं न कहीं जवाब देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम 2006 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर छात्रों के हितों में रहते हैं। माँ ज्वाला इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ज्वाला जी के उद्घाटन अवसर पर ज्वालामुखी पहुंचे प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मुनीश शर्मा ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को कहीं ना कहीं जवाब देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम 2006 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर छात्रों के हितों में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि छात्र अपने जीवन में किसी भी रूप में कामयाब हो सकें, उस हेतु उन्हें प्रेरित किया जाता है। लेकिन आप समाज में बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसमें स्वार्थ ढूंढने लग जाता है। यहां चुटकी लेते हुए मुनीश ने कहा कि ऐसे लोगों को अब हमने भी इग्नोर करना सीख लिया है। आज उनको साथ लिया था तो मैं जब उसका तैयार हो रहा था तो मुझे इतना आभास नहीं था कि जब मैं स्किल सेंटर के ऊपर पहुंचूंगा तो भूख आए ये वो इतना सब कुछ कहेगा। यदि ध्यान में होता तो मैं अपनी पत्नी को देखता एक खरगोश का और वो कार्यक्रम 5 सितंबर को साथ में विक्टोरिया पैलेस में था। वो कार्यक्रम भी शिक्षक और छात्रों के बीच का था, लेकिन उन दिनों चुनावों का समय था तो कुछ लोगों को आपत्ति थी कि कार्यक्रम ना हो। फिर भी चलो जैसे जैसे वो कार्यक्रम हुआ, क्योंकि उसमें भी हमारी मंशा कोई राजनीति नहीं थी, क्योंकि समाज में हम 2006 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, छात्रों के बीच में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने जीवन में किसी भी रूप में कामयाब हो सके, उस हेतु में प्रेरित किया जाए। लेकिन कई बार आप समाज में बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसमें स्वार्थ ढूंढने लग जाता है तो उसको अब हमने भी इग्नोर करना सीख लिया है। और यहाँ पर भी बड़े राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि अच्छा काम करने वालों को हमेशा कहीं ना कहीं जवाब देना ही पड़ता है। चंबावतन रोड स्थित स्किल सेंटर का उद्घाटन हुआ। काफी संख्या में यहां पढ़ाई कर रहे छात्र व स्थानीय लोग पहुंचे थे। नजदीकी पंचायत के प्रधान के अलावा बुद्धिजीवी वर्ग भी इस समारोह में उपस्थित रहे। समारोह में कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें पहाड़ी नाट्य आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इसके अलावा एक नाटक की प्रस्तुति द्वारा छात्रों ने ये संदेश भी समाज को देने का प्रयास किया कि आज बेटियां हर जगह मुकाम हासिल कर अपने प्रदेश देश और माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान माँ ज्वाला इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के एमडी नवरत्न गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए जाते हैं और बच्चों को विभिन्न प्रकार के कोर्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा छात्र इस योजना का लाभ लें। इस कार्यक्रम में प्रदेश कौशल विकास निगम के जिला कोऑर्डिनेटर सुधीर भाटिया, इंस्पेक्टर पंकज सहित बीडीसी मेंबर नितिन मदन मोहन गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उड़ान बाकी है, अभी तो हमारा असली इतिहास बाकी है, अभी तो नाती नहीं है हमने धरती, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जिस तरीके से आप सभी ने मुझ पर आशीर्वाद रखा, जिसको लेकर कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं अपने